इतनी तपस्या के बाद किस प्रकार विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई? श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 65वां सर्ग। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम, पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन, 1000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके इस तप की कहीं तुलना न थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर घुसने नहीं पाया। श्री राम, अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्वत हुए। रघुकुल भूषण, इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्ष तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष दिखाई नहीं देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्राह्मण, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो गए हैं। तीनों लोगों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार ना कर लें, तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्वकाल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी से बोले, ब्रह्मऋषि, तुम्हारा स्वागत है।
हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। ब्राह्मण, मरुद्गणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद अर्थात धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद अर्थात ऋक आदि चारों वेदों के ज्ञाताओं में से सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहां से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मऋषि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मुनि, तुम ब्रह्मऋषि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मऋषि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम, इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनिप्रवर कौशिक, आप कुकत्स कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे हैं। इससे मैं धन्य हो गया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि, ब्रह्मन अपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम और अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज अर्थात प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन, शतानंद जी ने आपके महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया है। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। प्रभो, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामायण आदि काव्य के बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद, आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।